गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल डिस्कस ऑन ए वेरी थॉटफुल पोएम दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ को देखकर आप जरूर पहचान गए होंगे कौन है। इनका नाम आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, हम लोग आर.एन. टैगोर के नाम से भी जानते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। पहले इस कविता को मैं समझाऊं, इस पोएम का एक बैकग्राउंड और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ कहना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं आप जानोगे तो इस प्रेयर को भी नहीं जान सकोगे जो मैं आप लोगों के सामने आज पोएम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वो एक प्रेयर है, प्रार्थना है, जो आपका हर स्कूल का डायरी में है। लेकिन क्या आपने कोई भी इस प्रेयर को अच्छा से गाए होंगे, अच्छा से पढ़े होंगे, या उस प्रेयर के अंदर क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसे जानने की कोशिश की होगी। बहुत छोटी सी एक पोएम है, प्रेयर सॉन्ग है, लेकिन इसका मीनिंग आज के एज के साथ बहुत ही रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। हर लाइन आज इस ज़माने में भी, इस 21वीं सदी में, 21st century, इट इज टू रेलिवेंट। आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? नोबेल प्राइज मिलने के कारण ये था, भारत के इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति जिन्हें लिटरेचर के फील्ड पर नोबेल प्राइज मिला। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज। वो नोबेल प्राइज लेने के लिए टैगोर जी ने नहीं गए थे, पर उस स्विस एकेडमी को जो नोबेल प्राइज देते हैं, संस्था का उन्होंने अपना आभार व्यक्त किए थे और एक लेटर के द्वारा उन्हें धन्यवाद दिए थे। नोबेल प्राइज मिलने के कारण था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखे थे, आप सभी जानते हो। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के कारण। ये गीतांजलि क्या है? एन ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स, बहुत सारा कविताओं का एक अंजलि है। जब हम पुष्पांजलि देते हैं, पुष्प के साथ अंजलि देते हैं भगवान के सामने में, इन्होंने भी बहुत सारे कविताएं लिखे और उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स का नाम गीतांजलि रखे। और गीतांजलि को उन्होंने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद किए थे। पहले उन्होंने बांग्ला में लिखे, बांग्ला के बाद गीतांजलि को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, खुद किए, और उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला। आफ्टर 70 ईयर्स, वन ऑफ द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इन्हें भी 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। जब चंद्रशेखर जी स्विस एकेडमी में जाकर नोबेल प्राइज रिसीव किए, उन्होंने 70 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर का बात को जिक्र किए। आपको मालूम है
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर रविंद्रनाथ टैगोर का उस कविता के बारे में बताए जो आपका डायरी में है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यही पोएम का जिक्र किए। उन्होंने कहे 12 साल की उम्र में उन्होंने इस कविता को पढ़े थे और अभी भी उनका दिल में वो कविता है। आप सोच सकते हो ये प्रेयर संग कितना वैल्यूएबल है। फिर 1998 द सेम पिक्चर, वन ऑफ आवर इंडियंस डॉक्टर अमर्त सेन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपको जानकारी रखना चाहिए, जब हम कुछ पढ़ते हैं तब बहुत सारा चीज जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो, उस रिलेटेड चैप्टर को, रिलेटेड नॉलेज को हमें प्राप्त करना ज़रूरी है। मैं स्पेशली इस प्रेयर संघ के ऊपर मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। जो भी देख रहे हैं उन्हें मेरा रिक्वेस्ट है, आप लास्ट तक, आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुने। मेरा कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ओके, 1998 अमर्त सेन ही गॉट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आप जानते हो अमर्त सेन ने भी स्विस एकेडमी में जब नोबेल प्राइज रिसीव करने गए तब सेम वे ही ऑल्सो गेव द एग्जाम्पल ऑफ दिस पोएम। उन्होंने बताए जे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में आँखों के सामने में देखा। आपको मैं और एक जानकारी देता हूँ, अमर्त सेन का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही रखा था। अमर्त सेन का फादर वो भी एक प्रोफेसर थे, अमर्त नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। अमर्त सेन स्विस एकेडमी में जाके भी कहे, अभी भी मैं उस पोएम को याद करता हूँ जो पोएम मुझे निडर होना सिखाता है, वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। उन्होंने इस पोएम का जिक्र किया। प्रेजेंट डे में 2014 मलाला यूसुफ, आप जानते हो इनके बारे में काफ़ी चर्चित रही है, और एक भारतीय कैलाश सत्यपाठी नोबेल प्राइज मिला था इन लोगों को। यूसुफ मलाला ने भी उस स्टेज पर उन्होंने बताए, उनके घर में इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इस पोएम को रखा गया है। मलाला बताई उनके पिताजी ने इस पोएम को बार बार उनको पढ़ने के लिए कहते थे, जिस पोएम उन्हें निडर होना सिखाए। अब मलाला के बारे में काफ़ी जानकारी जानते हो, उन पर आतंकवादी हमला हुआ, क्यों? यही बात, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। वो चाहती थी उस अफ़गानिस्तान में जहां लड़कियों को एजुकेशन पाने की कोई हक नहीं था, उन्होंने लड़ाई की और जिसके कारण आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसाई। उन्होंने भी बताए जो बचपन से ही मैं उस कविता को याद करता हूं जो यही स्टेज पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिलाया। उपाय वही है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। तो ये पोएम कोई साधारण सी नहीं है। आपको डायरी में देखते होंगे ये पोएम है, ये प्रार्थना संगीत हर स्कूल के बुक में, के डायरी में है, लेकिन आप इसका मीनिंग नहीं जानते हो।
मीनिंग जानने का कोशिश नहीं करते हो, आपको बताया नहीं गया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ में इस प्रेयर सॉन्ग के बारे में डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा इसका मीनिंग आप तक पहुंचाने की। बिफोर दैट आई वांट टू शेयर सम पिक्चर्स विथ यू। ही इज रविंद्रनाथ टैगोर, यू नो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि नाम से पुकारे, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम दिए। ये जानकारी हमें रखना चाहिए। यू नो दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, भारत माता, दैट इज द सिंबल ऑफ द इंस्पायरेशन फॉर द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। भारत में आज़ादी की क्रांति जब चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, तब भारत माता का ये तस्वीर काफ़ी प्रेरणादायक था उन क्रांतिकारियों के लिए, और फांसी का मंच में भी क्रांतिकारियों ने भारत माता की जय बोलकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे। नाउ वी विल डिस्कस दिस पोएम। यू एंजॉय द पिक्चर्स ऑल्सो, रिवाइज द पिक्चर्स ऑल्सो इन योर माइंड, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ द पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। लिसन चिल्ड्रन, What is the meaning of these three lines? रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, ऐसा एक भारत की कल्पना उन्होंने किए थे, क्योंकि मैंने पहले बताया इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल एट द टाइम बिकॉज इट वॉज 1910। और उनका लाइफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने आज़ाद भारत देख नहीं पाए थे बिकॉज ही डाइड इन 1941। ओके, सो दैट टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा एक भारत की कल्पना करते हैं, ऐसा एक देश का कल्पना करते हैं जहाँ वे द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोगों का मन, लोगों का दिल, लोगों का चित्त भय सुन्न हो, भयभीत नहीं हो। आप अगर बंदूक के नोक पर काम करते हो तो क्या आप काम कर पाओगे? आज बहुत सारा पृथ्वी का देश को देखो, सीरिया हो कि पाकिस्तान हो, जो आतंकवादियों के गोद में पल रहे हो ऐसे लोग, क्या उस देश में साहित्य का चर्चा हो सकता है? क्या उस देश में कोई साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन कर सकता है? नहीं। कवि यही कहते हैं, नॉलेज फ्री होना चाहिए, वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पर हमारे दिल में कोई डर नहीं हो, वही हम सही एजुकेशन पा सकते हैं। आज के दिन में आप देखते होंगे विभिन्न स्कूल में फेयरलेस एनवायरनमेंट की बात कहा जाता है, एंगर फ्री जोन, फेयरलेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब यही है। टैगोर ने आज से 100 वर्ष पहले भी यही बात को जिक्र किए, यही बात को कहें, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां किसी का मन में कोई डर नहीं हो, भय नहीं हो, तभी तो हमें सही शिक्षा मिलेगी। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ भारत के लोग गर्व से कह सके वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस, यही ऐसा ही देश का कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहते हैं। नेक्स्ट
वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। पूरा विश्व में उन्होंने ऐसा एक सपना देखे थे, ऐसा एक दुनिया का सपना देखे थे, विश्वहीन विश्व जहाँ कोई बैरियर्स नहीं हो, जहाँ कोई बंधन नहीं हो। फ्रैगमेंट्स मतलब छोटा छोटा हम लोग का जो खंड खंड विचार, आज आप न्यूज़ में, पेपर्स पर, हर जगह में सुनते हो आतंकवादी हमला हुआ, उस जगह में धार्मिक झड़प हुई, धार्मिक हिंसा भड़क गई, ऐसा शब्द आप सुनते होंगे। ये सभी के कारण यही है, जब हम विचार में, अपना थॉट में फ्रैगमेंट्स रखते हैं, मीन्स दैट खंडित विचार रखते हैं, पूरा दुनिया के बारे में, पूरा देश के बारे में नहीं सोचकर एक अपना स्वार्थ, अपना विचारधारा को ही सबसे सुप्रीम मानते हैं, तब इस तरह से विचारों में टकराव होती है। कभी कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ ये दुनिया अलग अलग ऐसा छोटी छोटी विचारों से, दीवारों से खंडित ना हो जाए, ऐसा दुनिया की कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, एक एक लाइन का मीनिंग देखो और क्या कहते हैं, जहाँ सत्य की बात, सच्चाई, सच्चाई जो है, सच्चाई का बात कहीं कोई रोक नहीं पाए, स्पॉन्टेनियसली अपने से ही अंदर से सच बात निकल जाए, जिसे कोई रोक ना सके। आज आप देखते होंगे, आज अगर आप सच बात कहते हो, सत्य कहते हो, आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यू फेस सो मेनी ट्रबल्स इफ यू आर सेइंग द ट्रूथ, इफ आर सेइंग द फैक्ट। लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे अगर आप सच बोलते हो तो। कभी कहते हैं नहीं, सच ऐसे ही हम लोगों का अंदर से आना चाहिए। वेयर टर्ल इज स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुअर्ड्स परफेक्शन। कहते हैं देश के लोग टर्नलेस, विरामहीन, लगातार देश के विकास के लिए प्रयासरत हैं। आज हम देख रहे हैं इस कोरोना के दौर में पूरा देश आज जूझ रहा है। हर व्यक्ति एक कर्मवीर बने हैं, योद्धा बने हैं। कभी 100 वर्ष पहले भी कह के गए हैं वेयर टर्ल इज स्टार्विंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स द परफेक्शन। देश का परफेक्शन, चरितार्थ के लिए अपना काम का, काम को सही सही परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए लगातार दोनों हाथों से इस देश के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर वर्क करेंगे, हम अगर देश के लिए हो, अपने विकास के लिए भी हो, प्रयासरत रहेंगे, तभी मुझे परफेक्शन मिल सकती है। एक आदमी जिंदगी में अंत तक सीखता है, कंप्लीट परफेक्शन कभी नहीं आ सकता है। परफेक्शन पाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। कवि यही बात को हमें कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिटेट। काफ़ी समझने वाला ये लाइन है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सही बात को पहुँचाने की। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स दैट न्याय विचार एक फ्रेज है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, सच्चाई का नदी, कारणों का नदी, मतलब ऐसा मीनिंग नहीं है, मीनिंग है न्याय। जहाँ न्याय मरुस्थल में जाके
मर ना जाए, छुप ना जाए, खत्म ना हो जाए। ड्रेरी डिजर्ट, ड्रेरी मीन्स सूखा हुआ, निरस, जहाँ निराशात्मक हैं। आप सुनते होंगे देश में कई ऐसी घटना घटती है और न्याय के लिए 20-20 बरस, 50 बरस तक लोगों को आशा देखना पड़ता है। न्याय नहीं मिलती, कोर्ट आपको केवल तारीख देती है, तारीख पे तारीख, न्याय नहीं मिलती। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यही इशारा की। ऐसा भारतवर्ष हो, ऐसा देश हो जहाँ न्याय मरुस्थल की रेगिस्तान में, उस निराश जगह में जहाँ केवल मृत हो, डेड हैबिटेट, उसी में समा ना जाए, कब्र ना हो जाए न्याय की। डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब यही है, वीरान को हम लोग डिजर्ट कहते हैं। ऐसे बहुत लोग कहते हैं डिजर्ट मीन्स फूल ऑफ सैंड, नहीं, तब कोल्ड डिजर्ट कैसे? आप जानते हो भारत चीन का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में लेह और लद्दाख जो अभी काफ़ी चर्चित है, केवल आइस ही आइस है, बर्फ ही बर्फ, उसे क्या कहते हैं? कोल्ड डिजर्ट। डिजर्ट मीन जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हो, नहीं के बराबर हो, तब हम उसे डिजर्ट कहते हैं, हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। ओके, यू नो इट इन योर सोशल साइंस, यू हैव स्टडीड अबाउट इट, ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड। देखो इस कविता में भी कहता है ये, ऐसा ही रेगिस्तान में, ऐसा ही जहाँ कुछ नहीं हो, उस अन्याय के अंधेरों में, उस रेगिस्तान में न्याय की विचार खत्म ना हो जाए, कब्र ना हो जाए, ये कहते हैं। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, तारीख नहीं। नेक्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वेडनिंग थॉट एंड एक्शन। आप कवि ईश्वर को कहते हैं, भारत माता को कहते हैं, परम पिता को कहते हैं, ऑलमाइटी गॉड को कहते हैं, जो आप ही तो कर्म हो, आप ही तो चित्त हो, आप ही तो इस भारत का आनंद का नेता हो। कितना सुंदर लाइन उन्होंने रचना किए, तब तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला, नहीं तो कविता तो कई लोग लिखते हैं। नाउ सी दैट अगेन आई एम टेलिंग, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी, दी मीन्स दैट इज द ओल्ड इंग्लिश, इन द ओल्ड इंग्लिश दैट दी, दाई, दाइन, दाओ, ये सब वर्ड यूज होता था यू के लिए, आप के लिए, ऐसा हम लोग यू बोलते हैं, यू माने आप, तुम, दी, सम्मान के साथ भगवान को, बड़े बड़े लोगों को दी कहा जाता था। कवि कहते हैं आप ही कर्म हो, आप ही इस भारत के चित्त हो, आनंद का नेता हो, और आपका देश का विचार वाइडनिंग थॉट्स होना चाहिए। वाइडनिंग थॉट्स मीन्स व्यापक रूप से होना चाहिए, सबके हित के लिए होना चाहिए, अपना क्षुद्र, अपना जाति, अपना धर्म के लिए ही सीमित नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर उठकर देश के बारे में सोचो, जो देश के हित हो, एक काम को करो, इस विचार को समर्थन करो जो देश के हित में हो। कवि ऐसा ही इशारा करते हैं। नेक्स्ट, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर। देखो मैंने पहले कहा भगवान को, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर अपना जिंदगी में निराकार ब्रह्म का उपासक थे, कोई आकार को नहीं मानते थे, कोई फिजिकल आइडल को उन्होंने नहीं मानते थे, निराकार ब्रह्म, ऑलमाइटी गॉड के बारे में उन्होंने, उनका विश्वास था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करना इस वीडियो में संभव नहीं है, घंटों से घंटों बीत जाएगी, आपका क्लासेस खत्म हो जाएगी, लेकिन पोएम खत्म नहीं हो सकती है।
नाउ इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम. हे प्रभु माई फादर, हे प्रभु इस भारतवर्ष के आज़ादी जो स्वर्ग समान हो. पहले मैंने आपको चित्र दिखाया जो अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, भारत माता का चित्र. सबसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे इनके बारे में दिया हुआ है. इनके घर के सभी लोग उस समय में जमींदार परिवार में बिलोंग करते थे और देश की आज़ादी के आज़ादी में काफ़ी योगदान है. बहुत सारा आर्ट के द्वारा इन्होंने, इन लोगों के घर के और भी पूर्वजों ने बहुत सारा आर्टिस्टिक व्यू से लोगों को जागृत करने का कोशिश किए. भारत माता का तस्वीर इन्हीं लोग का देन है. कहते हैं इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इस स्वतंत्रता की स्वर्ग में, इस देश में जब स्वतंत्रता आएगी इस स्वर्ग के जैसा होगा. कल्पना किए थे ऐसा देश होगा भारतवर्ष, स्वर्ग जैसा होगा. माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, हे प्रभु हमारे मेरा देश को जागृत करो. देश को जागृत करो. अगर देश के लोग जागरूक नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, केवल नाम के वस्ते रह जाएंगे. अगर हम जागरूक होंगे तभी देश को सही दिशा दे सकते हैं, सही लोगों को चयन कर सकते हैं, सही लोगों को इलेक्शन में इलेक्ट कर सकते हैं, सही सरकार को चुन सकते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देश को आगे बढ़ाते चलेंगे. नाउ द चिल्ड्रेन आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस प्रेयर सॉन्ग एंड यू विल रिमेम्बर इट इन योर माइंड. ओके बाय.